हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज जो हम प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं वो है ऑल इन वन पॉलिश, जो कि है मोटोमैक्स का। ये है प्रोटेक्शन स्प्रे एंड ये आपकी बाइक के हर एक पार्ट में जो आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे उसका स्क्रोप बाइक हो, चाहे ग्लोसी बाइक हो, चाहे टायर हो, चाहे सीट हो, किसी पार्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आज इसको हम टेस्ट करेंगे। ऑलरेडी वैसे मैंने यूज किया हुआ है बट आपके सामने भी यूज करेंगे एंड रिजल्ट जो है इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कैसा वर्किंग करता है एंड बहुत सारी डिटेलिंग ना इस प्रोडक्ट को लेकर आने वाली है। तो मेक श्योर इस वीडियो का जरूर देखिए। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को यूज करके दिखाऊं उससे पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके। दोस्तों मोटोमैक्स का ये प्रोडक्ट है, ये 200 ml का प्रोडक्ट है एंड 200 रुपए का है। अमेजोन से ये बाय किया हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है ये पेडलाइट का प्रोडक्ट है एंड मैंने एक्चुअली ऑलरेडी यूज किया हुआ है। अगर आपके पास एक माइक्रोफाइबर क्लोथ और ये प्रोडक्ट है ना, तो आप अपनी बाइक को पूरी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड दोस्तों मोटोमैक्स जो प्रोटेक्शन स्प्रे है उसको पेंट पे तो यूज कर सकते हैं। देखिए मार्क जो है लग जाते हैं एंड ऐसे मार्क को निकालने के लिए इंस्टेंटली जल्दी से जो है आप स्प्रे को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जस्ट शेक करिए इसको एंड 2-3 स्प्रे करने हैं। 1-2-3 ऐसे स्प्रे कर दिया आपने एंड उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लोथ से जो है इसको सर्कुलर मोशन में रब करिए, ठीक है, हर जगह जो इसको स्प्रेड करिए अच्छे से। पूरा अप्लाई करने के बाद में इसको जो है जो सूखा एरिया है जहां से आपने नहीं किया है उससे भी एक बार रफ कर दीजिए, ताकि वो हल्की सी भी चिकनाहट जो है ना वो निकल जाए। एंड पॉलिश अप्लाई करने के बाद आप शाइनिंग देख सकते हैं। शाइनिंग कोई भी मार्क जो है, फिंगर मार्क या बर्ड ड्रॉप या फिर कुछ भी डस्ट है ना, वो आपको नहीं दिखाई देगा। एंड मेन चीज ये है कि डस्ट को अट्रैक्ट भी नहीं करता ज्यादा, ये चिकना नहीं है, ठीक है। तो जो डस्ट है इस पर पॉलिश लगाने के बाद में जब आप कपड़े साफ कर देंगे तो उस पर डस्ट जो है चिपकती नहीं है। वैसे ये क्रोम पार्ट है तो क्रोम पार्ट पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इजिली। जस्ट सेम शेक करिए, एक स्प्रे करिए एंड इसको माइक्रोवेव क्लोथ लेके सर्कुलर मोशन में इसको जो है अप्लाई करिए एंड दैट्स इट। और ड्राई एरिया से फिर जो है उसको अच्छे से साफ कर दीजिए। ये देखिए तो पहले की शाइनिंग और अभी की शाइनिंग में डिफरेंस पता चल रहा होगा आपको। अगर आप टायर कंडीशन में देखेंगे तो टायर कंडीशन भी अभी उतना शाइनी नहीं है, डस्ट लगी हुई है। तो इस पे भी जो है हम सेम मोटोमैक्स का जो ये प्रोटेक्शन स्प्रे है यूज कर सकते हैं। तो आप देखते हैं टायर जो है अच्छी तरह से चमक गया है। तो रबर पार्ट हो, विनाइल पार्ट हो, या फिर कार में इंटीरियर करना हो या एक्सटीरियर करना हो, ये देखिए पहले वाला पहले कितना डल था और अभी जो है कैसी शाइनिंग रबर में आ चुकी है। तो ऑल इन वन पॉलिश का यही बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है कि आप बाइक में किसी भी पार्ट में या फिर कार के किसी पार्ट में भी ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये सीट जो है आपको दूर से क्लीन लग रही होगी बट पास जाऊँगा तो आपको बहुत सारी डस्ट ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो सीट में भी जो है आप सेम प्रोडक्ट जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसको उस तरह से करिए, और इसको ठीक है। तो अब जो है आपको किसी तरह से डस्ट जो है, तो ऑल इन वन जो स्प्रे है पॉलिश है इसका यही फ़ायदा होता है, मल्टी स्प्रे है तो आप किसी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस प्रोडक्ट की पूरी वर्किंग देखी, आप जो है इसको चाहे बाइक हो चाहे कार हो किसी भी पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मैट पेंट पे नहीं यूज़ करना है, बाकी अगर आपका मैट इंजन है तो उस पर यूज़ कर सकते हैं, रबर पार्ट है या फिर सीट है या फिर मेटल पे तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो ऑल इन वन पॉलिश होता है तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, 200 रुपीज़ कॉस्ट है, इसको मस्ट ट्राई करिए। बहुत ही अच्छा वर्किंग जो है मेरे साथ किया है और मैं इसको सेकंड टाइम यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया और उसको अब ये सेकंड टाइम यूज़ कर रहा हूँ। सेकंड टाइम इसकी वर्किंग मुझे बहुत सही लगी, तो एक बार आप इसको ट्राई जरूर करिए। प्राइस 200 के आसपास का है तो एक बार ट्राई बनता ही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ वीडियो कैन करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और दिखते रहिए बुलेट ग्रू, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप ले आती रहेंगी। बाय।